दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और आपको बता दें, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल के आ रही है कि छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तारीख है, ये आप लोगों की सीधे 30 नवंबर तक बढ़ गई है। यानी कि 30 नवंबर तक आप लोगों के फॉर्म अब जमा होंगे। तो इससे रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, अब मैं आपको बता दूँ। जब 30 नवंबर तक आप लोगों के स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा होगा, तो दिसंबर के पहले सप्ताह में ही वो कॉलेज से फॉरवर्ड किया जाएगा। जब दिसंबर के पहले सप्ताह में आप लोग का कॉलेज से फॉरवर्ड किया जाएगा, तो ऐसे में बहुत ही कम चांस है कि जनवरी फरवरी से पहले आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। तो इसका मतलब कि दिसंबर के महीने में ही आप लोगों की पुनः वेबसाइट खुलने वाली है। ये बात मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिनका सारे प्रॉब्लम हो चुका है और उसके पश्चात उन्होंने फॉर्म को सबमिट कर दिया, उसके बावजूद उनमें गलती है। तो जिनके भी फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती है, तो गलती को अंडरलाइन करके रखेंगे। और जैसे ही फॉर्म यदि खुलता है आप लोग समाज कल्याण विभाग के द्वारा फिर से स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो उसमें आप सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप लोग की छात्रवृत्ति जो सुधार हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है कि प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर व मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए और मोहलत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने अब 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, आपको बता दें कि 30 नवंबर तक आप लोग की छात्रवृत्ति व फीस भरपाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। और 30 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक जो शिक्षण संस्थाएँ हैं, ये इन आवेदन का परीक्षण करके उन्हें अग्रसित करेंगे। आपको पता है कि 3 दिसंबर आप लोग का कॉलेज में लास्ट डेट है, और इस दिन तक आप लोग का कॉलेज से फॉर्म वेरीफाई होकर के फर्दर आप लोग को समाज कल्याण विभाग को चला जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात वहां से दोस्तों एक स्टेटस का लिंक ओपन होता है, और स्टेटस का लिंक जैसे ही ओपन होगा, वैसे आप लोग को सारी बातें पता चल जाएंगी। स्टेटस का लिंक ओपन होते ही आपको यह बात पता चल जाएगी कि आप लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म कहाँ से वेरीफाई हुआ है, और स्कॉलरशिप का फॉर्म कहाँ पे सस्पेक्ट है। जहाँ पे भी स्कॉलरशिप का फॉर्म आप लोग का सस्पेक्ट रहेगा, वहाँ से आप लोग जाकर के सुधार करवा सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं बता दूँ जिन्होंने अपना फाइनल सबमिट कर दिया है, उन स्टूडेंट का बिल्कुल भी छात्रवृत्ति वाला फॉर्म अब खुलने वाला नहीं है। कितना भी प्रयास कर लेंगे तो फाइनल सबमिट होने के पश्चात छात्रवृत्ति का फॉर्म ओपन नहीं होगा। छात्रवृत्ति का फॉर्म जो है फिर से तभी ओपन होगा जब आपके पास लिंक आएगी सुधार वाली। ठीक है, आप लोग के लिए सुधार के लिए जो है ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से लिंक खोली जाएगी, और उसके माध्यम से अब आप लोग अपना सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं बता देता हूं कि 30 नवंबर तक डेट को बढ़ा दिया गया है, और अब मुझे लगता है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी तक आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। अब मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट के कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, वो लोग अपना पूरा 75% से ऊपर अटेंडेंस रखेंगे, नहीं तो कई बार जो है अटेंडेंस का मसला हो जाता है, और ऐसे में स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। क्योंकि नियम है तमाम सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में कि यदि आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो अटेंडेंस रहना चाहिए, अटेंडेंस आप लोगों का रहना चाहिए 75% से ज़्यादा अटेंडेंस रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, इस तरीके का इंफॉर्मेशन है आप लोगों का कि फाइनली डेट को बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, अगर इसके अलावा भी यदि किसी प्रकार की और दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे ज़रूर ऑनलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कमेंट वैलिड होगा, कमेंट ज़्यादा संख्या में होगा, तो मैं आप लोगों को सारी बातें कमेंट के माध्यम से बता दूंगा।